हेलो फ्रेंड्स, रूबल्स किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं अपनी यहाँ पर एक यूनिक रेसिपी बना रही हूँ और जिसका नाम है बथुआ अप्पे। और बथुए से अप्पे हम कैसे बनाते हैं, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। और वैसे भी आप जानते हैं कि बथुआ में काफ़ी आयरन होता है और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। दूसरा, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, साथ ही साथ जिसको हीमोग्लोबिन कम होता है उनको भी, उनके खून में रेड ब्लड सेल्स बढ़ाने में ये मदद करता है। साथ ही साथ ये डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने आपको इतनी सारी बातें तो बता दी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बथुआ लेना है। बथुआ ये मेरे फील्ड का है, आप देख सकते हैं कितना हरा है, फ्रेश है और इतना अच्छा बथुआ है। इसकी डंडी इतनी कच्ची है कि आप इसे इसे वॉश करके और इसी तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जितनी बथुए की कच्ची डंडी होती है, आप जानते हैं कि हमारी जो डंडी, इसमें डंडी होती है, चाहे वो धनिया हो या पालक हो, तो जितनी उनकी कच्ची डंडी होती है उसमें सबसे ज़्यादा फाइबर होता है, विटामिन्स होते हैं और जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये एक रेमेडी है कि आप इसका जूस बनाकर भी पियेंगे तो आपको जो भी बीपी की प्रॉब्लम होगी, कोलेस्ट्रॉल होगा, जिसको हार्ट प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी ये बेस्ट है। और शुगर पेशेंट के लिए तो ये रामबाण है, जिनको डायबिटीज़ है वो बथुए का डेली सेवन भी करेंगे तो उनके लिए अच्छा होता है। तो चलिए, अब मैंने बथुए को धोकर और इसको एक पेस्ट बना लिया है इस तरह से। इसको मुझे बॉयल नहीं करना है और आपको भी नहीं करना है, मैं अपने बारे में बताती हूँ, क्योंकि मैं अपनी रेसिपी बना रही होती हूँ तो इसलिए मैं इसको अपने ही वेस में बताती हूँ। पर अगर आप भी बनाएंगे तो आपको भी इसे बॉयल नहीं करना है। ऐसे ही मैंने कच्चा इसका पेस्ट बनाकर रेडी किया हुआ है। साथ ही साथ मैंने जो पेस्ट बनाया उसमें मैंने इतना बड़ा एक अदरक और ग्रीन चिली ली हुई है, और मैंने अभी इसमें नमक नहीं डाला है। अगर मैं नमक इसमें डाल दूंगी तो ये जो मेरा बैटर है वो पतला हो जाएगा। दूसरा, मैंने बारीक चॉप किया हुआ है कोरिएंडर लीव्स और ऑनियन। बाकी मुझे ये सब इसमें नहीं डालना है क्योंकि मैंने पेस्ट में इसको ऐड किया हुआ है, तो इसे तो मैं एक साइड कर देती हूँ। और आप जानते ही हैं कि ज़्यादा स्पाइसी हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। वैसे आपकी चॉइस है कि अगर आप मिर्च ज़्यादा खाना पसंद करें तो आप मिर्च मसाले ज़्यादा खा सकते हैं। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पर एक कटोरी, एक्चुअली मेरे घर में आज सूजी शॉर्टेज थी, सूजी नहीं थी, क्या बताऊँ कि जो सूजी थी, जो मोटी थी मेरे पास, तो मैंने क्या किया, मैंने आपको दिखाने के लिए, और इतनी ही मेरे घर में सूजी थी और ये रेसिपी मुझे बनानी थी, तो मैंने कहा चलिए बथुआ भी ताजी है, फील्ड से निकाला हुआ है, तो मैं इसे देर क्यों करूं, मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ। और बारिश का मौसम भी चल रहा है तो फिर बथुआ ख़राब होने के चांसेस भी रहते हैं। तो फिर मेरे पास जब इतनी सूजी थी तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ मोटी ही सूजी चलाती हूँ आज, तो मैंने मोटी सूजी से ही आज ये, पर इसमें मैंने हाफ कटोरी के करीब मैंने इसमें हंकड़ लिया है, दही लिया है, और दही हमारा ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। तो चलिए, अब मैं इसमें ये जो भी मेरे इंग्रेडिएंट्स जो मेरे सामने लगे हुए हैं मैं इनको मिक्स करती हूँ। तो मुझे सबसे पहले इसमें लेना है चावल का आटा। मैंने सूजी तो आधी कटोरी इसमें डाल दी है लेकिन चावल का आटा नहीं डाला है। तो चावल का आटा मैं इसमें ओनली 2 स्पून के करीब इसमें ऐड करूंगी, और आप इसको अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, क्योंकि मैं, मेरी तो फैमिली छोटी है तो मैं तो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। अब इसमें जाएंगे जो हमारी प्याज है, मीडियम साइज प्याज, और जो लोग प्याज नहीं खाते हैं वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप इसमें और सब्जियां भी डाल सकते हैं, जैसे गाजर हुई,
और कैप्सिकम हुआ, कैवीज हुआ, कॉलीफ्लावर भी हो सकता है, वो भी आप डाल सकते हैं, पर मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। मुझे ही है इस तरह से ही अच्छे लगते हैं, और मेरी फैमिली भी इसको प्लेन ही पसंद करती है। अब इसमें जो मेरा पेस्ट है ये जाएगा, और आपको इसके बारे में विश्वास नहीं दिला सकती, बिलीव नहीं करा सकती कि ये रेसिपी इतनी अच्छी लगती है, क्योंकि जो बच्चे भी बड़े भी, कुछ लोग नहीं खाना चाहते हैं बथुआ वगैरह, वो भी इसको बड़े शौक से खाते हैं। आप देखिए कितना अच्छा नेचुरल ग्रीन कलर आया हुआ है। अब इसमें मैं नमक ऐड करूंगी, नमक हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है, तो मैंने इसमें सिर्फ हाफ टी स्पून ही नमक ऐड किया हुआ है। अब यहाँ मसाले में मुझे लेना है कोरिएंडर पाउडर, और ये क्यूमिन सीड्स पाउडर है, रोस्टेड क्यूमिन सीड्स, और ये यहाँ पर है करी लीव्स पाउडर, दूसरा है रेड चिली पाउडर। तो ये मैंने सबको हाफ हाफ टी स्पून लिया हुआ है, और मैं इनको एक साथ ही इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। अब इसमें मुझे थोड़ा सा पानी की जरूरत है, तो पानी मैं इसी कटोरी में थोड़ा सा डाल लेती हूँ। अगर मेजरमेंट से देखा जाए तो ओनली 1 स्पून के करीब ही मैंने इसमें पानी ऐड किया है, और इसको 5 मिनट के लिए मैं रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ, ताकि जो हमारा जो राइस का फ्लोर है, चावल का आटा था, वो अच्छे से इसमें मिक्स भी हो जाएगा, दूसरा थोड़ा हल्का सा उसमें मतलब ठीक हो जाएगा, मतलब जो आटा हमारा होता है, आटा और सूजी दोनों सेट हो जाएंगे और सॉफ्ट हो जाता है थोड़ा अप्पे बनने के लिए। तो लगभग मैं इसको 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ, और इसे आप ढककर रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मेरा अप्पे का मैंने ये सेट भी रखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं अब इसे 5 मिनट के बाद आपको अप्पे बनाकर दिखाऊंगी। देखिए मेरा ये बैटर तो सेट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसमें, मैंने अपनी फ्लेम को भी ऑन किया हुआ है, इसमें मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल इसमें डाल सकते हैं, तो लगभग थोड़ा थोड़ा सा हमें इसमें सभी होल्स में इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करना है, ज़्यादा नहीं, इसको भरना नहीं है, बस इतना इतना ही हम डालेंगे। मैं जितना डाल रही हूँ आप देख सकते हैं कि मैं कितना डाल रही हूँ इसमें, इसे बस इतना होता है कि इसमें जो हम अप्पे बनाएंगे उसमें एक अच्छा सा क्रंच आ जाता है। तो यहाँ मेरा अप्पे का सेट भी गर्म हो रहा है। अब मुझे इसमें हींग मैंने डालनी है, तो इसमें हाफ टी स्पून के करीब इसमें हींग मैंने इसमें ऐड की है, और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब आप इसमें चाहें तो ईनो डाल सकते हैं, या चाहें आप इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, पर मैं इसमें ईनो से आज बना रही हूँ। तो लगभग इसमें जो एक सैसे है उसका मैं आधा पार्ट इसमें डालूंगी, और जरा सा मैं पानी और इसको मिक्स कर लूंगी इस तरह से। अब यहां पर मेरा अप्पे का सेट तो गर्म हो चुका है,
और एक ही साइड हमें चलाना है, बस हल्का सा चलाना होगा, बस नीचे से ऐसे मिक्स करना है ताकि ये पूरे में मिक्स हो जाए। अब 1 स्पून के करीब ही मैं इसमें ऐड करूंगी। आप इस पेस्ट का देखिए कलर, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ऊपर तक हमें नहीं भरना है, देखिए फूलता हुआ आ रहा है। छोटा सा मैं स्पून डाल रही हूँ और ये बड़े होकर फूल रहे हैं। तो थोड़ा सा गिर गया। इतना संभाल के काम किया फिर भी गिरी है, कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ पर देखिए अपे के सेट में इसको स्टैंड में अब सारे पेस्ट को मैंने डाल रखा है, जो मेरा बथुए का बैटर था। अब इसे हम 5 मिनट के लिए इसको ढककर रख देंगे ताकि इसमें नीचे से और ऊपर से दोनों साइड से ये बनके रेडी हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसे पासे की कितना फूल के तैयार हो चुके हैं और बहुत अच्छे बने हुए हैं। आप कलर भी देख सकते हैं इसमें, लुक कितना अच्छा आ रहा है। और खाने में तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कितने अच्छे लगते हैं मुझे, और साथ ही साथ ये हेल्दी रेसिपी है। और उम्मीद भी कर रही हूँ कि आपको शायद ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एक साइड से तो ये बन चुके हैं, अब मैं इन्हें पलट लेती हूँ। तो मेरे अप्पे तो बनके तैयार हो चुके हैं और 1 मिनट में ये कम्प्लीटली बनके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एक साइड से तो ये बन चुके हैं, दूसरी साइड से बस इनको 1 मिनट लगेगा। और 1 मिनट में ये, और मैं साथ ही साथ इसकी प्लेटिंग करती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरे अप्पे बनके तैयार हो चुके हैं, बथुआ अप्पे। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे यूनिक रेसिपी के साथ मैं आपको फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और मेरे बथुआ के अप्पे का एंजॉय लीजिए और मुझे बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मुझे लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब के साथ सपोर्ट करिए, एंड थैंक यू।